बिहार के सीएम, बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 17 दिन में 2 बार हमला हो चुका है और इन दोनों हमले में हमले करने वाले व्यक्ति को प्रशासन ने मानसिक रोगी बताकर राहत की सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा कैसा है कि आम इंसान उन तक पहुंचकर हमला कर सकता है, ये सवाल तो आज सबके मन में उठ रहा है। तो चलिए इसी सवाल का हम आपको जवाब देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुरक्षा घेरा कैसा है और इतनी बड़ी चूक आखिरकार हो कैसे गई। सीएम नीतीश कुमार के साथ लगातार 2 बार घटना हो चुकी है। पहली घटना 27 मार्च को बख्तियारपुर में हुई, जब एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक उनके पीठ पर मुक्का मार देता है। राज्य के मुखिया के साथ हुई घटना ने बिहार पुलिस के सुरक्षा संबंधी दावों की पोल खोल दी। घटना से बिहार पुलिस के अफसरों में हलचल मची और लगा कि अब सुरक्षा का ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन 12 अप्रैल को फिर सीएम की सिक्योरिटी ब्रेक कर दी गई। एक युवक ने सीएम के पास पटाखा फोड़कर सुरक्षा की पोल खोल दी। ताबड़तोड़ हुई इन दोनों घटनाओं के बाद अब बिहार पुलिस के अफसर जांच में जुटे हैं। तो चलिए हम पहले सीएम की सुरक्षा की बात करते हैं। सीएम की सुरक्षा 3 स्तर की होती है। पहले रिंग राउंड में सीएम होते हैं। रिटायर्ड आईपीएस और बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि सीएम की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कड़ी काम करती है। इसमें अफसरों से लेकर कांस्टेबल की भूमिका बड़ी होती है। कई कदम में सुरक्षा का घेरा होता है। सीएम को रिंग राउंड सिक्योरिटी में रखा जाता है। इसमें बिना वर्दी के सशस्त्र पुलिस पदाधिकारियों को रखा जाता है। इसमें कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक के अफसर होते हैं। इनकी संख्या 8 से 10 होती है। रिंग राउंड में सीएम को घेरने वालों में सभी सादे कपड़ों में होते हैं, इसलिए उनकी रैंक का पता नहीं चलता। सुरक्षा में रिंग राउंड का घेरा बनाने वालों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वह इतने चौकन्ने होते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूसरा होता है स्पेशल ब्रांच। इसमें सशस्त्र जवान तैनात होते हैं जो बिहार के आर्म्स फोर्स और जिला पुलिस से आते हैं। इसमें जवानों की संख्या तय नहीं होती है। भीड़ और हालत को देखते हुए जवानों की संख्या बढ़ाई और घटाई जाती है। तीसरा सबसे बाद में होती है जिला पुलिस। तीसरे स्तर पर पुलिस तैनात होती है जिला स्तर की। जिला पुलिस तक रिंग राउंड के अंदर नहीं जाती। रिंग राउंड में प्रवेश करने वालों को भी पहले जांच होती है। इसके लिए सुरक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। सीएम की सुरक्षा में रिंग राउंड के बाद सुरक्षा का जिम्मा संबंधित जिले के पुलिस का होता है। पूर्व डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि जिला पुलिस के अलावा कारकेज में पायलट के साथ फोर्स होती है। सीएम की यात्रा के दौरान गाड़ी में सीएम के साथ आगे ड्राइवर की बगल की सीट पर एक सुरक्षा कर्मी होता है, जबकि सीएम की गाड़ी के ठीक पीछे रिंग राउंड का विशेष दस्ता होता है जो सीएम की गाड़ी से उतरते ही मधुमक्खी की तरह घेर लेता है। सीएम की सुरक्षा में आईपीएस अफसरों के साथ कांस्टेबल तक की अहम भूमिका होती है। पूर्व डीजीपी अभयानंद का कहना है कि सीएम की सुरक्षा में डीजीपी के बाद डीजी स्पेशल ब्रांच होते हैं। इसके बाद एडीजी सिक्योरिटी का जिम्मा होता है। फिर नंबर आता है डीआईजी सिक्योरिटी और एसपी सिक्योरिटी का। इतने आईपीएस के जिम्मे सीएम की सुरक्षा की निगरानी होती है। इसके बाद एसपी और डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर, दरोगा और कांस्टेबल होते हैं। सीएम का मूवमेंट किसी भी दिशा में होता है तो सुरक्षा में लगे अफसर लाइन पर होते हैं। वो पल पल का हाल जानते रहते हैं। वीआईपी सुरक्षा में चूक का बड़ा कारण सुरक्षा में लगाई गई टीम में प्रशिक्षण में कमी और पैरवी से पोस्टिंग को माना जाता है। पुलिस विभाग के जानकार बताते हैं कि सुरक्षा में लगी फोर्स में पैरवी वालों की संख्या कम नहीं होती है। ऐसे लोगों को लगाया जाता है जिनके लिए नेताओं की डिमांड होती है। पैरवी पर सुरक्षा में लगाया जाना और ऐसे लोगों का प्रशिक्षित नहीं हो पाना बड़ा कारण है। फिलहाल अब 2 बड़ी घटना के बाद बिहार पुलिस जागी है, अब जांच में जुट गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि चूक का कारण क्या था। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि आखिरकार एक घटना हुई, एक चूक हुई, उसके बाद पूरे आम जनता को लग रही थी कि अब तो एक परिंदा भी मुख्यमंत्री के आसपास पर नहीं मार पाएगा। लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक अब दूसरी घटना के बाद देखना ये हुआ कि क्या सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा अब चाक चौबंद हो पाती है या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में कोई और लापरवाही देखने को मिलती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत, हमारे साथ बने रहने के लिए।